अचानक ऐसे झटका लगा ना, तो सब लोग एकदम हड़बड़ाहट से उठ गए। न्यू जलपाईगुड़ी से जस्ट बैठे ही थे, अचानक जोर का झटका लगा। कोई सोच भी नहीं सकता ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब हम लोग 2 से 3 मिनट में उतर करके देखे तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था डिब्बा। सो ही नहीं बाकी, मतलब ट्रेन चल रहा है फिर भी एक डर बैठ गया है ना, अभी हो सकता है। सुबह सभी लोग जैसे होते हैं, सुबह सो रहे थे हम लोग, अचानक ऐसे झटका लगा ना, तो सब लोग एकदम हड़बड़ाहट से उठ गए। फिर हम लोग को सर में भी लगा बहुत, फिर हम लोग देखे कि इतना भयानक घटना घटा पीछे, तो वही सब। मैं त्रिपुरा से हूँ, अगरतला से। यहाँ पर श्यालदा से अभी मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आई हूँ कॉलेज से। हाँ हाँ, एडम असम से। हाँ, ट्रेन से पहले भी तो आई हूँ। फर्स्ट टाइम ये ऐसा तो कोई भी, अरे बहुत ही, मतलब क्या ही बोलो, कोई सोच भी नहीं सकता ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वही बहुत ही, माँ बाप भी बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी हो रहा था ना, इसके बाद से हम जब भी आ रहे थे मैं तो सो ही नहीं बाकी, मतलब ट्रेन चल रहा है फिर भी एक डर बैठ गया है ना, अभी हो सकता है ऐसा, वही सब। हम बैठे हुए थे, लगभग आधा घंटा हुआ था, हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से जस्ट बैठे ही थे, अचानक जोर का झटका लगा, और जब हम लोग 2 से 3 मिनट में उतर करके देखे तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था डिब्बा। मालगाड़ी पीछे से टक्कर मारी थी, और जा करके देखे तो पूरा ट्रेन तहस नहस हो गया था। अभी तो हम लोगों ने सब जो हमारे यात्री हैं इन लोगों से इनकी हालचाल पूछे हैं, और हम लोग ने यहाँ पे एक मेडिकल बूथ भी किया हुआ है पैसेंजर्स को गाइड करने के लिए। हमारी आरपीएफ की टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स हमारे हैं वहाँ पे, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो उनको दिखा देंगे, और हमारी एम्बुलेंसेज भी हैं। अगर ऐसा तो अभी तो सब लोग ठीक ही बता रहे हैं, बट अगर कोई इशू होगी तो उनको हॉस्पिटल में भी अटेंशन दिलवाएंगे। हम लोग डॉक्टर्स टीम रखे हैं, खाने के अरेंजमेंट्स भी रखे हैं, फूड पैकेट्स भी रखे हैं, और हम लोग एम्बुलेंस भी रख चुके हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर्स लोग सचे जे हम लोग उसको ये सब पैसेंजर्स जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, तो हम लोग 10 के ऊपर बेड रखे हुए हैं अपना बी आर सिंह हॉस्पिटल में, वहाँ हम लोग सभी यात्री को अलाउ करेंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और डॉक्टर्स छोड़ के अगर पैसेंजर भी फील करे जो हमको ट्रीटमेंट का जरूरत है, वी विल अलाउ देम। देखिए, प्राइमरी फेस ही हम बता सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी तो इंक्वायरी कमेटी कर रहा है, उसका डिटेल्स हम नहीं बता पाएंगे जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगा। तो प्राइमरी फेस ही जो है, हम लोग ये हमारा मिनिस्ट्री से भी बताया गया, ये जो ड्राइवर थे गुड्स का, उन्होंने सिग्नल को ओवरशूट किया। ऐसे कैसे हो गया कि सिग्नल ओवरशूट किया, मतलब उनको बोला गया था, मेमो दिया गया था, जो आप 10 किलोमीटर पर आवर में चलिए, और जो सिग्नल है उसमें 1 से 2 मिनट रुकिए, उसके बाद 10 किलोमीटर पर आवर में चलिए। उसके बाद अगर आप देखिएगा आपके सामने ट्रेन है, उसमें आप 150 मीटर पीछे रहिए, और नहीं तो 2 OHEs पहन कर पीछे रहिए,
तो ये कोई चीज़ उन्होंने फॉलो नहीं किया।